Om Namo Bhagwate Sainathaya. On every Thursday at 9.15 pm, Sri Sai Baba's usual paki procession takes place. During the time of Sri Sai Baba, Baba used to go to sleep in Chavdi, near Dwarkamai every alternate day. From December 10, 1909, Baba's procession started from Dwarkamai to Chavdi. This procession is the beginning of present day's Thursday Palki. From that day onwards, Sri Sai Baba's puja and arti also started in Chavdi. श्रींची नित्याची पालखी दर गुरुवारी रात्र सव्वा नऊ वाजता आजही भक्ती काढली जाते श्री सद्गुरू साईबाबा एक दिवसा द्वारका माईच्या जवळच असलेल्या चावडीत शयन करण्यास जात असत श्री साई सच्चरितातील अध्याय चार आणि अध्याय सदतीस नुसार दहा डिसेंबर एकोणीसशे नऊ या दिवसापासून बाबांची द्वारका माई पासून चावडी पर्यंत सवाद्य मिरवणूक काढण्याची प्रथा सुरू झाली तसेच चावडीत श्री साईनाथांच्या आरती सही प्रारंभ श्री साई बाबा की नित्य गुरुवार की पालखी हर गुरुवार रात सवा नौ बजे निकाली जाती है श्री साई बाबा उस जमाने में एक दिन के अंतराल में द्वारका माई के नजदीक चावडी में सोने के लिए जाते थे श्री साई सच्चरित के अध्याय चार एवं सैंतीस के अनुसार दस दिसंबर उन्नीस इस दिन से बाबा की द्वारका माई से चावडी तक शोभा यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हुई ये शोभा यात्रा यानी आज के गुरुवार की पालखी की शुरुआत ही है उस दिन से चावडी में बाबा की पूजा एवं आरती भी शुरू हुई इस परंपरा का स्मरण करने के लिए बाबा की पादुकाएं सक्का तथा प्रतिमा की समाधि मंदिर से द्वारका माई द्वार से चावडी तथा चावड़ी से पुनः साय मंदिर तक हर गुरुवार को रात सवा नौ बजे पालखी शोभा यात्रा निकाली जाती है गुरुवार के दिन धूपारती के बाद बाबा की तस्वीर अष्टगंध तिलक तथा फूलों से सजाई जाती है प्रतिमा को पिताम्बर वस्त्र पहनाए जाते हैं रात नौ बजे समाधि मंदिर में भजन शुरू होता है सवा नौ बजे ललकारी के साथ साई नाम का उद्घोष होता है और शोभायात्रा आरंभ होती है साई नाम के उद्घोष में श्री साई बाबा की प्रतिमा तथा पादुकाओं की शोभायात्रा द्वारका माई में आती है पुनः भजन प्रारंभ होता है तत्पश्चात शिरडी माझे पंढरपुर ये मराठी आरती गायन होकर तस्वीर सटका तथा पादुका पालखी में रखकर पालखी चावड़ी की तरफ निकलती है चावड़ी में फिर से आरती होती है उसके बाद तस्वीर सटका एवं पादुका पुनः पालखी में रखकर पालखी समाधि मंदिर की ओर मार्गक्रमण करती है इस तरह से 10 दिसंबर ये दिन चरित्र में एक ऐतिहासिक दिन है इस पावन अवसर पर सदगुरु साईनाथ के शुभाशिष सभी साई भक्तों को मिलेगी श्री साई बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिरडी की ओर से सदगुरु साईनाथ के चरणों में प्रार्थना श्री साई बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिरडी श्री साई बाबा और श्री साई बाबा संस्थान से जुड़ी जानकारी के लिए सामाजिक माध्यमों पर संस्थान के अधिकृत पेज फॉलो करना ना भूलें